Hey guys, welcome back to Class of Learning. You are with Rahul Sharma, your friend and guide. तो दो चीज़ें क्लियर करनी जरूरी हैं सर. आज हम ना बी एड के पेपर की बात करेंगे एंड विल टॉक अबाउट कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन अलॉन्ग विद सर इसका पेपर कैसा आएगा. सीरीज से हमारे दिमाग में काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं कैसा होगा इस बार का पेपर. तो यहाँ मेरे हाथ में पेपर जो आपको पूरा पैटर्न बताएगा. दिस इज द पैटर्न द एग्जामिनेशन दैट यू गोइंग टू हैव दिस टाइम. लुक एट दिस पेपर सीरियसली. ये हैं वो क्वेश्चन जो आपको ऑन टिप होने चाहिए. सर पहले क्लियर तो मैं पेपर लीक नहीं कर रहा, लेकिन हाँ मैं आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बोल रहा हूँ और पेपर का पैटर्न 100% यही रहने वाला है. वेदर यू आर गोइंग टू गिव एग्ज़ाम फ्रॉम आईपी यूनिवर्सिटी, इग्नो, दिल्ली यूनिवर्सिटी, आप बात करते हो सर हम हरियाणा यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, कुरुक्षेत्र, CRSU, MDU और एनी अदर यूनिवर्सिटी सच एस चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी टू, तो आपका एग्ज़ाम पैटर्न में कोई चेंज नहीं होने वाला. आप कहते हो सर एग्जाम में क्वेश्चन बदलते हैं, डेफिनेटली बदलते हैं, कुछ सिलेबस में भी चेंज होता है, लेकिन एग्जाम पैटर्न ऐसा होगा तो आप उसको क्लियर करना. यस आई एम गोइंग टू डू दिस ऑन माई इंस्टा आईडी, उस पर भी मैं पोस्ट करूंगा, डेफिनेटली आप देख पाएंगे. लेकिन समझना है यहाँ पे आपको पेपर करना है कैसे. हाउ यू गाइस गोइंग टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन बी एड एग्जामिनेशन. मैक्सिमम मार्क्स इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, मतलब कम टाइम नंबर ज़्यादा ज़्यादा. तो तरीका मैं बता रहा हूँ, आप फॉलो अप करो. खाली फॉलो अप करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे पेपर का पैटर्न क्या रहेगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है आपका शॉर्ट नोट. आई रिपीट, शॉर्ट नोट, और ये क्वेश्चन होगा कंपलसरी. किसी तरह की कोई चॉइस नहीं होगी इसमें, यहाँ पे आपको करना ही पड़ेगा. द फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स. सर इसमें चार ही करने और चार ही क्वेश्चन होंगे, कोई ऑप्शन नहीं है फर्स्ट वाले में, मतलब फर्स्ट करना ही करना है आपको. मतलब कोई कहते हैं सर मौका या मारे चौका कुछ नहीं मिलने वाला, आप लोगों के चारों क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन डेफिनेटली आपके पास कंपलसरी और डंडे वाला काम है, करना ही पड़ेगा यार. तो फर्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल देता हूँ. फर्स्ट में आया राइट टू इन्फॉर्मेशन, यस RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन. नंबर टू अडल्ट एजुकेशन. नंबर थ्री UEE, सर यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन. आई रिपीट, UEE को अच्छे से क्लियर करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं. नेक्स्ट वन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अब शॉर्ट नोट, सपोज मुझे शॉर्ट नोट आता है, सर मुझे पूरा आता है, आई नो ईच एवरीथिंग अबाउट राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन, एडल्ट एजुकेशन, मुझे तो सर यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन पूरा पता है, आई नो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो क्या मैं चार पेजेस में लिख दूँ? शुड आई राइट ऑन फोर पेजेस? मतलब सीरियसली चार नंबर का क्वेश्चन है यार, इट्स जस्ट अ फोर मार्क क्वेश्चन, व्हाई यू नीड टू राइट डाउन एवरीथिंग अबाउट इट? One page is more than enough. I repeat, one page is more than enough here. Why need to waste your time? कि यार मुझे करना ही करना है. Why? There is no need of it. आप सिर्फ basics को clear करो ना. When you are able to work with the basics, you are able to get maximum marks. हिंदी में समझाओ भाई, देखो काम उतना करो जितने नंबर मिल रहे हैं. जरूर से ज़्यादा लिखने, नंबर ज़्यादा नहीं देगा मामा, सीरियसली नंबर काट लेगा वो. तो आपको उतना ही लिखना है जितनी ज़रूरत है. डोंट ट्राई टू शो योर स्मार्टनेस इन फ्रंट ऑफ एग्जामिनर. उसको पता है चार नंबर का ही क्वेश्चन है भाई, कहानी नहीं लिखनी, सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करो, एक पेज में कंप्लीट कर दो आंसर. ये है वो आपको जो आना चाहिए. सो सीरियसली तुक्का ही मारना तो बहुत कहता है एक्यूरेट वे में मारो, कि बस इतना ही लिखना है, फालतू कुछ नहीं लिखना. ये हो गया भाई पहला क्वेश्चन आपका कंपल्सरी है, ये आना ही आना है. तो बी एड के काफ़ी सारे स्टूडेंट में से क्वेश्चन पूछते हैं सर कितने वर्ड्स में होना चाहिए, कितने लिमिट का होना चाहिए. तो जो फर्स्ट शॉर्ट नोट होगा ना, ये मैक्सिमम आपने 150 वर्ड्स में लिखना है, मैक्सिमम. 100 में लिखो तो चलेगा, बहुत आराम चलेगा. पेज की एक साइड, सिर्फ एक साइड, दोनों साइड नहीं, एक साइड भरो, बहुत है. चार पेज भरता मैं नॉर्मली, दो पेज दोनों के आगे पीछे मिला के, वो 16 नंबर क्वेश्चन के लिए. जो बोलते हैं सर हमें बहुत कुछ आता है, ठीक है पांचवा पेज भर दो, छठा मत भरना, इतना नहीं लिखना, एक ही बुकलेट मिलती है भाई. आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ. फिर कई बच्चे बोलते हैं सर मुझे नंबर लेके आना, आई नीड टू गेट द मार्क्स. अब यहाँ कई बच्चे सीरियसली मेरे को बोल रहे हैं सर KU के में एडमिशन ले लिया, अब क्या करें सर, उसके बारे में तो बहुत गलत व्यूज आ रहे हैं. मैं मान रहा हूँ हैं गलत व्यूज हैं यार, भुगत भोगी हूँ, मैंने भी KU से गया भी है. तो यहाँ आप लोग कुछ नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू एनीथिंग. आप लोग नंबर कम आए होंगे, मेरे तो एब्सेंट लगा दी थी, मैं एग्जाम देखा था, एब्सेंट लगा दी थी. तो व्हाट यू विल डू, सीरियस कुछ नहीं करोगे. और एक नहीं तीन तीन पेपर में एब्सेंट लगाई थी मेरी, जिसको बार बार करना पड़ा था, फाइनली मुझे सेंटर शिफ्ट करना पड़ा था. तो आपने कहा सर ये तो होता है,
अब आप क्या करते हो, कैसे करते हो, करने का तरीका क्या है, फॉलोअप क्या है, उसको देखो। गो विद द बेसिक्स, इफ यू एबल टू क्लियर द कॉन्सेप्ट यू बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट। दिस इज द रियलिटी जिसपे आपने मुझे काम करना है। आपने कहा सर अगले पॉइंट पे आते हैं, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, दैट इज डिस्कस द प्रोविजन दैट हैव हेल्प, आई रिपीट, डिस्कस द प्रोविजन दैट हैव बीन मेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एजुकेशन। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर टू। अब अगर ये नहीं आता, सीरियसली क्वेश्चन लिखा था डिस्कस द प्रोविजन, यू कैन हैव लुक एट ऑन दिस, लुक एट द सेकेंड क्वेश्चन, डिस्कस द प्रोविजन दैट हैव बीन मेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एजुकेशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एजुकेशन के लिए प्रोविजन बने उनको बताओ। अगर नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, चॉइस है यहाँ पे, वी हैव अ चॉइस। और डिस्कस द सोशल डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी बेस्ड ऑन रिलीजन एंड लैंग्वेज। अब मैंने बोला भैया जो बच्चे डर जाते हैं कि हम कैसे करेंगे, बी एड को सबसे आसान तरीके से करने का तरीका, क्वेश्चन को समझो, क्लियर द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन और जनरल नॉलेज से भी आंसर लिखे तो गलत नहीं होने वाला, सीरियसली नहीं होने वाला, आप 100% क्रैक करोगे पेपर। क्वेश्चन था डिस्कस द प्रोविजन, जो प्रोविजन बनाए गए हैं फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एजुकेशन वो आपको बताने, एजुकेशन वो पुअर, एजुकेशन वो गर्ल्स, एजुकेशन वो एससी एसटी, वो प्रोविजंस बताने। तो आर्टिकल्स अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उनको लिख सकते हो अपने वर्ड्स में। पहला क्वेश्चन को क्लियर करना, इफ यू एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग क्वेश्चन तो बड़े आराम से कर लो यार, क्वेश्चन समझो ना पहले, पहले जो पूछ रहा है वो समझो, फिर आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। कह रहे डिस्कस सोशल डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी भाई हिंदुस्तान में काफी वो है क्या सर, भिन्नता, हिंदी बोलो तो भिन्नता है हमारे समाज में, भिन्नता है। आई रिसाइड इन दिल्ली, दिल्ली से मैं हरियाणा आ जाता हूँ, हरियाणा से मैं आगे जाता हूँ अम्बाला चला गया, थोड़ा और आगे चला गया पंजाब आ गया, सर ये चल रहा है, एक फेज चल रहा है। देखो कितनी लैंग्वेज मिल जाएंगी आपको, नॉर्मली हिंदी पंजाबी हरियाणवी सीरीसली मिलेगी, हिंदी मिलेगी हरियाणवी मिलेगी पंजाबी मिलेगी, थोड़ा और आगे चले गए सर हिमाचली आ गई या आपके कश्मीरी आ गई, तो आपने डाइवर्सिटी है, सेम कल्चर्स भी हैं, उनको क्लियर करना आपने। डिस्कस द सोशल डाइवर्सिटी इंडियन सोसाइटी बायस ऑन रिलीजन एंड लैंग्वेज, तो रिलीजन और लैंग्वेज दोनों बायस करते हैं उसके ऊपर, आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड इट कि क्या है, कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा, कौन कौन से पॉइंट्स हमें आने चाहिए। आई होप यू गेट द पॉइंट। आगे आते हैं, कहता व्हाट आर द एम्स ऑफ बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन। सर ये बेसिक की स्कीम ऑफ एजुकेशन, सर ये तो फर्स्ट प्लान आ गया ना, बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन नंबर थ्री की बात की, अगेन इसमें भी चॉइस होगी, वॉट आर द एम्स ऑफ बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन, वॉट आर इट्स फीचर्स। सर उसके फीचर्स क्या हैं, सर मुझे तो याद नहीं है, आई रियली डोंट हैव एन आइडिया। सेकेंडरी कमीशन याद है, नहीं याद था, कोठारी कमीशन याद होगी, सीरियसली मैंने उनका नाम नहीं बोला, बस कुछ समझ जाओ मैंने आपको हिंट दे दिया। अच्छा चॉइस में है सर मेरा क्वेश्चन, कह रहा है एक्सप्लेन द साइलेंट फीचर्स ऑफ न्यू पैटर्न एजुकेशन। साइलेंट फीचर्स, सर न्यू पैटर्न एजुकेशन ये कौन सा वाला है, सर ये जो प्लान 2005 में आया वो, सर ये अभी जो अपलेट हुआ न्यू एजुकेशन पॉलिसी लगी है वो वाली की बात कर रहा है। सर इट बीन टॉकिंग अबाउट द सेकेंडरी कमीशन, सर उन सबका समय भी तो आया, एक नया प्लान आया ना, एक रफ आइडिया अगर आप लोगों ने पढ़ा है, अगर आपने गो थ्रू किया है, देन यू हैव दैट आइडिया, आपको आइडिया होगा, उसको बड़े आराम से लिख सकते हो फिर आप, यही तो चाहिए और क्या चाहिए, सिर्फ जस्ट राइट ऑन द बेसिक दैट यू हैव इन योर माइंड, दिस इज द रियलिटी जिस पे आपने काम करना है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन सर दो क्वेश्चन है हमारे, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, सर इनमें ही चॉइस होगी, 100% होगी यार। हियर कह रहा है डिस्क्राइब ब्रीफली द रिकमेंडेशन ऑफ सजेशन बाय एनपी 1968। सर एनपीई दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप कहते हो सर हमें एनपी तो याद होना चाहिए, अगर मैं सर इसको याद नहीं करता मैं काम नहीं कर पाऊंगा ना। एनपी 1968, एनपी 1980, एनपी 1986, एनपी 1994, एनपी 2002, एनपी 2005, आपको 1968 के फीचर्स याद करने हैं, नहीं हो रहे चलो ठीक है कोई बात नहीं। कहता है डिस्कस सर्व शिक्षा अभियान, ये तो आता होगा, चॉइस है आपके पास, देखो एम्पल चॉइस है, सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन ही कंपल्सरी था, वो भी शॉर्ट नोट था यार, अगर आपको एक छोटा सा आइडिया भी तो भी आप लिख लोगे। देखो पेपर बनाने वाला आपका कितना ध्यान रखता है, उसने कंपल्सरी वो क्वेश्चन किया जिसका एक छोटा सा आइडिया भी अगर आपके पास है तो आप आराम से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। सो द नेक्स्ट इज डिस्कस सर्व शिक्षा अभियान इन डिटेल। अब सर दिक्कत होगी, सर शिक्षा अभियान तो मैंने शॉर्ट नोट के लिए पढ़ा,
अब इसको फुल फ्लैश 16 नंबर का आंसर कैसे बनाएं, इसके लिए मेरी वीडियो जरूर देखना, हाउ टू प्रिपेयर फॉर बीएड इन जस्ट 10 डेज। मैंने वहाँ टिप्स भी दिए हैं और एक वीडियो आएगी इस मंडे, कमिंग मंडे एक वीडियो मिलेगी बीएड वालों को, जिस वीडियो को बिल्कुल नहीं छोड़ना आप लोगों ने, ध्यान रखना। नेक्स्ट, व्हाट इज कल्चर? सर ये क्वेश्चन फेवरेट है मेरा, ये क्वेश्चन मेरे पेपर में भी आया था। कह रहा व्हाट इज कल्चर, व्हाट आर द फंडामेंटल अजम्पशन ऑफ द वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी। कल्चर क्या है, फंडामेंटल वैल्यूज क्या है, व्हाट आर द फंडामेंटल अजम्पशन ऑफ द वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी, ये देखना है। चॉइस में क्वेश्चन दिया है, व्हाट रोल्स कैन बी प्लेड बाय टीचर्स टू मेक देयर स्कूल सक्सेस। सही है, तो जनरल क्वेश्चन है, आप सब टीचर, आई होप आप सब टीचर किसी तरह स्कूल में पढ़ा रहे होंगे, तो आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस डाल दो, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, डेफिनेटली रूल करेगा यार। कह रहा है व्हाट रोल्स कैन बी प्लेड बाय द टीचर्स टू मेक देयर स्कूल सक्सेस, अपने स्कूल को सक्सेस करने के लिए करते हैं, तो इस पर काम करो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एंड आई नो दैट यू गाइस आर गोइंग टू गेट द बेस्ट ऑफ योर्स। लग जाओ दिक्कत आती है तो कोई मेरा नंबर आ रहा है, क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो, यू कैन हैव द नोट्स एंड यू कैन गेट योर ड्रीम मार्क्स। ऑल द बेस्ट।